नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज के। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज टीकमगढ़ एवं निवाड़ी जिले के दौरे पर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनदर्शन यात्रा की शुरुआत की। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान सबसे पहले निवाड़ी जिले के ओरछाधाम पहुंचे, जहां श्रीराम राजा सरकार के दर्शन किए करने के बाद पृथ्वीपुर विधानसभा के मोहनगढ़ पहुंचे, जहां मंच से आमजन को संबोधित किया। शिवराज सिंह ने टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ से जनदर्शन यात्रा का शुभारंभ किया। आमसभा को संबोधित करने के बाद ग्राम अरचरा, वृषभानपुरा, हथेरी, पंचमखेरा आदि ग्रामों को नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से संबोधित करते हुए पृथ्वीपुर में जनसभा को संबोधित कर जनदर्शन यात्रा का समापन किया। टीकमगढ़ से सुरेश प्रभाकर की रिपोर्ट। कौन कौन ने लगवाया हाथ उठाओ भैया। ये हमारे प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री जोरदार तालियों से अभिनंदन किया। एक बार जोरदार तालियां बजती रहे। पेट खावरी चिड़ैये भर भर पेट, ये होना चाहिए, ये जरूरी है। और इतने कोई छूट गए हो तो उनके नाम जुड़ जाए। अब रोटी के बाद लेकिन अब फिर से जन दर्शन का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं और इसमें जनता से अलग अलग जगह जाके संवाद होगा, योजनाओं की जानकारी लेंगे, समस्याएं देखेंगे और जरूरत पड़ी तो फील्ड पर ही, स्पॉट पर ही फैसले करेंगे। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही भगवान है। आपके तीन राजा के दर्शन करके अब अपनी जनता के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। मध्य प्रदेश में तीन जगह उपचुनाव है, क्या तैयारी है आपकी? उपचुनाव के बाद तो पार्टी करेगी। हाँ। मैं तो जनता की विकास और जन कल्याण। अभी देखा गया कि आप मध्य प्रदेश सरकार आप लोग लाठी चालू कर रहे हैं, क्या अच्छा है जनहित में लाठी चालू करना? अभी सुनने में आया कि मध्य प्रदेश सरकार लाठी चालू कर रही है, मध्य प्रदेश में क्या जनहित में अच्छा है? लाठी मैंने तो अभी तक नहीं सुना। कांग्रेस ने आरोप लगाया है। तो कांग्रेस का काम आरोप लगा नहीं है, ट्वीट करते रहते हैं, बाकी कोई झंडा तो बचा। देखा गया कि अभी लगातार पांच मुख्यमंत्री बदले गए हैं, क्या कहेंगे इसको लेके? सर बहुत परेशान हो गए, अब तीसरी लहर ना आ पाए तो पहले भगवान से प्रार्थना की, पहले भगवान के दर्शन और भगवान के बाद मेरी भगवान है मेरी जनता, इसलिए अब जनता के दर्शन जन दर्शन। यहां से निकलूंगा जनता के दर्शन करने, मोहनगढ़ से प्रारंभ कर रहे हैं और बहुत दिनों बाद आ पाया, माफी चाहता हूं, लेकिन पहले टीकमगढ़ जिले की जनता का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। जनता को टीकमगढ़ की प्रणाम करता हूं। पांच में से चार सीटें भारतीय जनता पार्टी को टीकमगढ़ जिले ने जिता के दी। क्या हमारे विधायक साथी बैठे हुए हरिशंकर जी विराजमान है, राहुल जी, राकेश जी,